नमस्कार दोस्तों, जब भी होम्योपैथी में इंजरी या चोट से संबंधित किसी दवा का नाम लिया जाता है तो अर्निका मोंटाना यहाँ पर सबसे टॉप लिस्ट में आती है। पर अगर इंजरी आपकी नसों में है या लैसरेटेड वुंड है जहाँ पर आपको कट गया है, तो वहां पर एक मेडिसिन निकल के आती है हाइपरिकम परफोरेटम मदर टिंचर, या फिर आप इसको पोटेंसी में भी यूज कर सकते हैं 1 ml या 200 में। तो हाइपरिकम परफोरेटम को हम लोग दोस्तों नर्व इंडिंग्स की जब वुंड हो जाती है, इंजरी होती है, तो हम लोग काफी ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। पर इसके अलावा भी इसको बहुत सारी चीजों में बहुत ही फ्रिक्वेंटली और काफी अच्छी तरह से रिजल्ट्स के साथ यूज किया जाता है। तो आज उसी की चर्चा करेंगे कि हाइपरिकम परफोरेटम हम लोग कहाँ और कब कब यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मैसेज मिल जाए। तो दोस्तों, हाइपरिकम परफोरेटम, जैसा कि मैंने कहा कि नर्व इंडिंग और स्पेशली लैसरेटेड वुंड कट गया हो, कहीं पर फट गया हो, तो आप इंटरनली 10 ड्रॉप्स मदर टिंचर की सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। और कटे हुए एरिया पर कभी भी डायरेक्ट कोई मदर टिंचर अप्लाई नहीं करते हैं। अगर हम चाह भी रहे हैं तो उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा इक्वल प्रपोर्शन, सेम मात्रा में पानी के साथ आप मदर टिंचर को मिलाइए और फिर अगर अप्लाई करेंगे तो आपको ठीक लगेगा। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो बहुत ही ज्यादा जलन देगा और पेन देगा। तो एक्सटर्नली अगर आप लगाना चाहते हैं हाइपरिकम मदर टिंचर को नसों के दर्द को कम करने के लिए, तो सेम मात्रा में पानी के साथ डाइल्यूट कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए और रुई से आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, आज हमारा मेन टॉपिक ये है कि हाइपरिकम को हम लोग और कहाँ पर यूज कर सकते हैं। इंजरी के केस में हाइपरिकम को मदर टिंचर के साथ साथ दोस्तों 200 या 1 एम पावर में भी लोग यूज करते हैं। मैं फ्रिक्वेंटली इसको 1 एम पावर में यूज करता हूँ सुबह शाम बीडी। नेक्स्ट, हाइपरिकम को हम और कहाँ दे सकते हैं दोस्तों। जब भी एप्थस अल्सर होता है तो पेशेंट को पेन बहुत होता है। एप्थस अल्सर या मुंह में छालों के लिए हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली मॉक्सोल बोरेक्स देकर उसे सही करने की कोशिश तो करते हैं, पर पेन को कम करने के लिए, बिकॉज खाना खाते समय या पानी पीते समय पेन बहुत होता है वो छाले, तो उनको कम करने के लिए आप चाहें तो हाइपरिकम मदर टिंचर को इंटरनली 10 बूंद सुबह दोपहर शाम खा सकते हैं। साथ ही साथ जैसा मैंने कहा कि पानी के साथ डाइल्यूट करके आप कॉटन से अप्लाई भी कर सकते हैं। दोस्तों, हाइड्रिस्टिस एक मदर टिंचर होता है जो कि मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड करता हूँ। अगर एप्थस अल्सर किसी को हो रखा है, मुंह में छाले अगर हो रखे हैं, चाहे छोटे छाले हो या बड़े छाले हो, आप चाहे तो हाइड्रिस्टिस मदर टिंचर प्लस हमने जो बताया हाइपरिकम मदर टिंचर, इन दोनों को मिक्स करें और पानी के साथ मिक्स करके या तो गार्गिल कर लें या कॉटन से डाइल्यूट करके इन दोनों मदर टिंचर, सॉरी पानी से डाइल्यूट करके इन दोनों मदर टिंचर को मिलाकर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपकी पेन तो सही हो गई होगा। और हाइड्रिस्टिस का बहुत खास बात होती है कि ये इंजरी को हील बहुत जल्दी कर देता है, स्पेशली जो एप्थस अल्सर की इंजरी है उनको कम करने में बहुत तेजी से काम करता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लूकोमा। ग्लूकोमा के केस में दोस्तों स्पेशली हमारा आई का जो ऑकुलर प्रेशर होता है अंदर का, वो बढ़ जाता है और नसों में काफी ज्यादा दर्द होता है। ये दर्द आंखों से शुरू होकर पूरे सर में होने लगता है, हेडेक की भी समस्या होने लगती है। तो नस चूंकि इन्वॉल्व हो रही है यहाँ पर, तो फिर से आप 10 बूंद सुबह दोपहर शाम मदर टिंचर हाइपरिकम का लेकर इस दर्द को कम कर सकते हैं। बाकी ग्लूकोमा का दोस्तों आपको फाइनली ऑपरेशन करा के उस पेन को, क्योंकि जब तक वो वाटर एक्स्ट्रा पानी जो जमा हो गया आंख में वो कम नहीं होगा, तब तक वो हमारा ऑकुलर प्रेशर बना रहेगा। बट पेन से बचने के लिए चूंकि नर्व इंडिंग्स का पेन है, तो आप हाइपरिकम मदर टिंचर यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आपने देखा होगा चाहे वो सर्वाइकल की दिक्कत हो या हमारे पैरों के बगल में, हम घुटने की बात नहीं कर रहे, घुटने के बगल में लिगामेंट्स होते हैं। कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जो चलने फिरने पर बगल की लिगामेंट में पेन बताते हैं और सर्वाइकल वाले रीजन में साइड में पेन बताते हैं। सेम इसी तरह सेक्रम वाले रीजन में नीचे चले आएंगे अगर आप कमर के पास, तो वहां भी दर्द होता है। और कॉक्सिकोडाइनिया एक टर्म होता है जो हमारी टेल बोन होती है, पूंछ वाली हड्डी, उसके नीचे दर्द हो रहा होता है। ये सारे दर्द जितने हैं दोस्तों नसों के दर्द हैं, ना कि हमारे हड्डी के दर्द हैं। साटिका का केस हो गया जहां पर हमारे कूल्हे के पास दर्द होता है, कई बार ये दर्द नीचे की तरफ चला जाता है, तो साटिका के दर्द में भी नसें इन्वॉल्व हो रही होती हैं,
तो आप हाइपेरिकम मदर टिंचर सुबह दोपहर शाम इन सारे दर्द में ले सकते हैं। साथ ही साथ 1 mg में बीडी सुबह शाम आप हाइपेरिकम मदर टिंचर लेंगे, हाइपेरिकम पोटेंसी में भी लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो मदर टिंचर में सुबह दोपहर शाम लेंगे, पर जब आप पोटेंसी 1 mg में लेंगे इसको हाइपेरिकम को, तो सिर्फ बीडी सुबह और शाम। तो चाहे सर्वाइकल का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कॉक्सिकोडाइनिया टेल की हड्डी के नीचे दर्द होना, या हमारे घुटने के बगल में जो लिगामेंट है वहां पर खिंचाव तनाव या दर्द का फील होना, हाइपेरिकम मदर टिंचर आप जरूर यूज करके देखें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको निकल के आएगा। नेक्स्ट दोस्तों, हीमोराइड्स या पाइल्स के केस में भी, चूंकि वहां पर बहुत सारी लैट्रिन के इर्द गिर्द जो हमारा रास्ता है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स, खून की नलियां, साथ ही साथ नसें भी बहुत ज्यादा, नर्व एंडिंग भी बहुत पाई जाती हैं, तो आप इंटरनली अगर सेवन करेंगे हाइपेरिकम का, तो जो जलन चुभन दर्द आपको हो रहा है लैट्रिन के आसपास, वो काफी मात्रा में कम हो जाएगा। साथ ही साथ हर बार मैं पाइल्स के पेशेंट को रिकमेंड करता हूँ कि सिट्स बाद किसी टब के अंदर गुनगुना पानी डालकर आपको थोड़ी देर सुबह और शाम 5 मिनट उसके अंदर बैठना है। उस पानी में आप कैलेंडुला मदर टिंचर प्लस हाइपेरिकम मदर टिंचर डालेंगे, तो दर्द के साथ साथ आपकी जो इंजरी जो हीलिंग है पावर वो बढ़ जाएगी। कैलेंडुला मदर टिंचर आपके जो टिश्यू है घाव को भरने का काम करेगा और हाइपेरिकम आपके दर्द को कम कर देगा। नेक्स्ट और लास्ट दोस्तों, एक बहुत अच्छा केस निकल के आता है, कई लोगों के हेयर फॉल हो रहे होते हैं, स्पेशली क्यों हो रहे होते हैं, स्कैल्प में पसीना बहुत आता है, तो स्कैल्प के हाइपर हिड्रोसिस, यह बहुत ही बेहतरीन दवा है 1 mg में, मंथली एक बार रिपीट करिएगा हाइपेरिकम को। स्कैल्प का अगर आपको हाइपर हिड्रोसिस हो रहा है, बहुत ज्यादा स्कैल्प में पसीना आ रहा है जिसकी वजह से डैंड्रफ और हेयर फॉल हो रहा है, तो हाइपेरिकम आपको काफी अच्छा रिजल्ट देगा। 1 mg में मंथली रिपीट करके देखें, कई बार पेशेंट बहुत सारी दवाएं हेयर फॉल की ट्राई कर चुका होता है बट ये हाइपर हिड्रोसिस वाली कंडीशन जो है पकड़ नहीं पाता है, तो पसीने की वजह से कई बार हमारे हेयर फॉलिकल वीक हो जाते हैं और हेयर फॉल होने लगता है, वहां पर हाइपेरिकम 1 mg मंथली लें, काफी अच्छा रिजल्ट आपको ये दे देगी। तो दोस्तों, बहुत ही बेसिक समस्या से लेसरेटेड इंजरी, कटी फटी चोट में भी आप हाइपेरिकम को बेसिकली यूज करते हैं, करते चले आए, बट इस बार आप ये जो नई चीजें हैं, माउथ अल्सर हो गया, आपकी पाइल्स की समस्या होगी, जोड़ों के इर्द गिर्द नसों में तनाव या दर्द, या कॉक्सिकोडाइनिया हो गया, आपकी हेयर फॉल की समस्या हाइपर हिड्रोसिस की वजह से अगर हो रही है, तो हाइपेरिकम एक बार जरूर ट्राई करके देखें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर।